बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरा दिन हमारा नगर पाल के ऊपर और सुबह दो बज रहे हैं, मौसम बड़ा प्यारा है। हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे और चाय की ग्लास में निकले हैं, बाहर भी चाय पियेंगे और फिर हम जाएंगे नगर पाल देखने के लिए। बच्चों क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? चले आज आगे करते आज आ जाओ, देखो सर पे देखो, देखो क्या है, हमें वो देखो और हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है। ये फोर स्ट्रीट है नीचे बनी हुई। ओके जी, आप देखते हैं टिकट लेना तो चले टिकट ले लेते हैं पहले। वो पानी नजर आ रहा है, उससे चलते ये बस एंड टूर कर दिया ना। ये देखते हैं हम लोग 7 घंटे के सफर पे आते हैं जो नज़ारा, ये हसीन वादियाँ। ये उस साइड कैंडा की और ये सी एन टावर है काफ़ी ज़्यादा जी आपसे। ये जा रहा है दरिया और वो आगे जाके फॉल बनती है, आई थिंक वो आपको गहरा नजर आ रहा है, गहरी नजर आ रही है ना। अभी अपन चले आगे चलते हैं। ओके चले आगे चलते जी। तो वो देखे सामने लोग खड़े हैं कैंडा वाले, ठीक है। और ये उस तरफ कैंडा है
और ये कैनेडा के टावर आ रहे हैं, बिल्डिंग आ रही हैं। यहाँ से ये व्यू है कैनेडा का और ये अमेरिका, आप लोग कुछ भी खड़े हैं अमेरिका की वीडियो दो और अच्छा करें और हम आप नहीं छुपते आगे आज हमारे जिला साइड पर जी। यहाँ पे बहुत ही प्यारा नज़ारा था, बहुत ही प्यारा। और ये आहिस्ता आहिस्ता आपको आगे जो मेन फॉल है उसकी साइड पे लेकर जा रहे हैं और यहाँ पे आपको बहुत प्यारी रेनबो भी नज़र आएगी। मतलब ये सामने देखने में बिल्कुल कुछ और लग रहा है, बिल्कुल पता नहीं कैमरे में हम लोग उस तरह से दिखा पाएंगे आप लोगों को या नहीं, लेकिन क्या बात, मतलब अल्फाज नहीं है बताने को। तेरी है रोज माई जी, देखी जे दिल बना के खिलोते हुए नहीं। अभी आप आगे लेके चलते हैं, वहां से सामने बिल्कुल सही नजर आएगा। और ये रेनबो फल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही थी, हाथ पे मुंह से निकलता वाह अल्लाह की कुदरत देखें। और देखें ये हाफ नीचे मतलब राइट साइड बंद रही थी और कंप्लीट नहीं थी ना, तो मतलब दोनों साइड से बंदा नजर आ रही थी। ये देखें मैं यही कह रहा था कि कलर एक तरतीब से कलर है, तो मैम कह रही थी क्या कह रही थी आप कि यही तो लग उधर है ना, ये नहीं कि मिक्स नहीं हुए कलर हुए, ये नहीं हुआ मतलब बिल्कुल वो क्या कहे, ये जो समझ आपको नजर आ रहा है ना ये ब्रिज और ये जो टाइल लगी है ग्रीन कलर की शीशा जो है ये इसमें लगी हुई है क्या जो कहते हैं एलिवेटर, इस एलिवेटर से हम लोग नीचे जाते हैं। और ये नीचे ये जाने के लिए वहाँ पे वो फेरी, फेरी मेड ऑफ मिस्ट इसका वैसे नाम है। और ये आपको मेन वो बिल्कुल जो आबशार है जो फॉल है उसके पास लेके जाती है जो कैनेडा से बिल्कुल नजर आता है, इसलिए मशहूर है कैनेडा के नियाग्रा फॉल, क्योंकि ये जो व्यू है ये कैनेडा से फ्रंट पे नजर आता है ना, तो जब हम भी बैठेंगे उस पे फेरी पे तो हमें भी ये फ्रंट पे नजर आएगा। ये देखिए मैं कह रहा था पहले इतना पानी बिका सी ट्यूबवेल विच सामने बह रही है पानी, गरीबो मेरे ख्याल में ये अमेरिका में ज्यादा मजेदार है, क्योंकि ये देखे पीछे दरिया आ रहा है, क्योंकि कैनेडा में तो दरिया नहीं ना वो नीचे चला जाता है, ये दरिया आ रहा है पीछे से। तो आगे जाकर हम दिखाएंगे, हमने पार्क में जो टिकट ली तो वो भी दिखाया, ये देखें ये नीचे मौसम। लेकिन कैनेडा में भी तो दरिया आ ही रहा होगा तभी फॉल बन रही है ना, फॉल कैसे बन रही होगी, पानी कहाँ से आ रहा होगा। नहीं वो अभी अभी आगे दरिया कैनेडा में चल जा रहा है ना, मैं ये कह रहा हूँ। अभी आपको दूसरी साइड से भी जाके दिखाते हैं, बड़ा खूबसूरत है वो, मतलब मैंने भी जिनसे पूछा है और मेरे भी यही अल्फाज हैं कि पैसे पूरे हो जाते थे, सब ये कहते ये पैसे पूरे हो जाते थे। 92 लगे थे आई थिंक फोर, हम दो मेड ऑफ मिस्ट में, हाँ जो फेरी में हम लोग बैठे थे चार बंदों के लिए। बड़ों का कितने पता नहीं, उन्हें टोटल 92 हमसे कुछ इस तरह से लिया था। ये लोग अभी जाने लगे हैं शिप में, ब्लैक का व्यू शो है, ब्लैक्स हैं यूट्यूबर हैं, ये अभी बैठ पूछ रहे हैं जी। ये देख लें ये पूरे पूरे ग्रुप आए हुए हैं, इनको बसें आई होती हैं, ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। और वो सामने ये आइजर आ गई, इंडियन लोगों की तादाद काफ़ी थी। और ये अभी हम लोग लाइन में लगने लगे हैं जाके मेड ऑफ मिस्ट की, इधर से हम लोग गुजरेंगे और वो उधर नीचे उतर कर वहाँ से हम लोग मेड ऑफ मिस्ट है जो फेरी है उसमें बैठेंगे, वहाँ से वहाँ पे आके शिप वो लगेगा साथ वो वाला। मतलब ये शिप था, बोट थी, क्या थी, बोट कह सकते हैं ना, है ना, छोटी फेरी, बोट कहना है, फेरी तो होती है फेरी, और ये बोट ये छोटी, और स्पेशल नाम इधर साथ लगा था है ना, हाँ वो साथ लगा था, इसको दिया हुआ मेड ऑफ मिस्ट, और वाकई वो मेड ऑफ मिस्ट ही है, बहुत ज्यादा हवाएं और मतलब तूफान की हद तक जब वो बिल्कुल आबशार के पास जाते हैं ना बिल्कुल ऐसे लगता है लेग दर्द कर रही है इसका, ये देख के इसकी लेग दर्द कर रही है, तो वो देखो लॉक किया हुआ किसी का ना, किसी का पर्सनल है वो देखो, ठीक है वो यार मुझे ले दो, तो फिर बैक ओ क्या, आ जा आ जा आ जा
जी ये देख रहे कितनी लंबी लाइन है आपको अंदाजा हो गया। पीछे मर लोग खड़े हैं तो टिकट परचेज करने से पहले आपको लाजमी ये चीज़ वाशरूम यूज़ कर लें ताकि आगे बहुत लंबी लाइन है और उसके बाद कम से कम 2 घंटे का ट्रिप है ये तो लाजमी आप लोग वाशरूम यूज़ कर लें। ठीक है यहाँ से हम लोग अभी टिकट बाय करेंगे और चलें और ये दूसरी साइड पे जो है जो लाइन जो है ये ग्रुप्स की है जो ग्रुप में आए लोग आए ये उनकी लाइन है। इंडियंस भी देखिए सारे ओके टू बाय टू टिकट्स टू एडल्ट्स टू चिल्ड्रन Okay, you're all set. Have a great day now. You too, ma'am. Thank you so much. Bye-bye. So, I have the tickets. तो हमने टिकट ले चुके हैं और टिकट $92 की आई हैं। चार टिकट्स और बेगम कहती है वाओ मैं चल चुप जा कुछ सुनना ले मैं तभी छुपा दम दिया ये देखिए ये लाइन्स कितनी लंबी लाइन है ये ग्रुप भी आ रहे हैं ये हम सब बैठेंगे उसमें शिप में तो ये देखिए अब अच्छा यहाँ से हमें वीडियो की आवाज़ बंद करनी पड़ी थी क्योंकि इतना ज़्यादा हवा का शोर था और पानी का शोर था कि कुछ समझ नहीं आ रही थी हमें इवन आपस में बात करते हुए बड़ी मुश्किल हो रही थी और अब आपको मेन जो है चीज़ वो दिखाते हैं सही यहाँ से फॉल्स नज़र आएंगी। ये अब हम लोग यहाँ से इस ब्रिज के ऊपर से गुजर के उधर नीचे जा रहे हैं मेड ऑफ मिस में बैठने के लिए। ओहो ये क्या होने लगा था शुक्र है नहीं हुआ जो भी होने लगा था। और ये है जी पानी 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 आज ब्लू है वो है ना इंडियन एक सॉन्ग मैं नहीं गाती रहने तो। और ये फॉल्स के साथ साथ खूबसूरत लोग भी हैं बहुत ज़्यादा अब क्या क्या देखे बंदा समझ नहीं आती ना और मौसम को तो फिर बिल्कुल ही समझ नहीं आती अच्छा जी ये है और ये है इधर से जाके हम और यहाँ पे आपने फोन को अपने थामे रखना है ध्यान रखें फोन गिर भी सकता है मैंने जैसे पहले बताया था पानी है वो कैनियन है और ये ब्लू वेल जो है ये अमेरिकन से है हम अमेरिकन से हैं इसलिए हम ब्लू पहने चल जाएंगे और जैसे मैं दिखा दूँगी ये बस खड़ी है अमेरिका में एंटर होने के लिए इसका नाम है रेनबो कैंडियन रेनबो ब्रिज था रेनबो ब्रिज नाम है इसका हम आपको अभी दिखाएंगे इसका जहाँ से एंटर होती है जहाँ पे पासपोर्ट चेक करते हैं वो भी दिखाएंगे आपको चलो बहुत अच्छा हाउस है उसका इतना ब्यूटीफुल व्यू है एंड ब्रिज का व्यू है बाबा एंड देन फिर वो जो मेकअप होता है उसके पास उसकी वो हीरिंग और वाटरफॉल फिर वो फ्लाई करके उधर जा सकता है लाइफ का एलिवेटर्स हैं और बंदूक के हिसाब से उनको बता रहे हैं हमारा नंबर आ गया स्टेप अप इन बिटवीन द रेलिंग्स प्लीज थैंक यू वेरी मच जस्ट 3 हम 3 पे चलो जमीन
ओके थैंक यू यू टू थैंक यू Scared of? I'm not scared. Oh, okay. Okay, so we came all the way down. That's scary now. Oh, okay. That's how tall it is. Mm. Huh. Are we good, Mama? Mama, tickets. Hi. थैंक यू मैं पहले कुछ लोग देख ले बड़े एक्साइटेड हैं शिप पे बैठने के लिए और शिप अभी तक आया नहीं और जो देख रहे हैं हमारे साथ हमारे बुजुर्गान भी हैं अपनी चेयर्स पे एंजॉय कर रहे हैं देखिए ये लोग वो जो खड़े हैं वो ऊपर जाएंगे और जो हम लोग खड़े हैं हम लोग ये इधर शिप के नीचे जाएंगे तो जामिन कह रहे हैं कि बाबा जी क्या मैंने ऊपर बैठा था मैंने कहा हम कह देंगे हमारे बूते ने ना अरे अम्मी बूते बैठे सीते जाना है ठीक है ना तो हम ऊपर भी जाएंगे इसमें क्या है ये देखिए ये देख लीजिए बॉर्डर है राइट साइड में अमेरिका का झंडा और लेफ्ट साइड में कनाडा का झंडा ये बड़ी ब्रिज है रेनबो पेशेंट है उनको उसके बावजूद जो है ना एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये ओल्ड होम से आए हैं लोग सारे जी ये जो लोग आए थे वो लोग सारे आ चुके हैं अब हमारी बारी है बस एक दफ़ा वो लोग चेकिंग वगैरह कर रहे हैं सारी बोट की उसके बाद हम लोग जाने लगे हैं लो जी ते उत्ते वाले जान लग पे ने असी हुण जाके कहना साडी अम्मी अबू उत्ते ने सानू जान दे उत्ते ही बहुता उत्ते भी ना जानते साडे अम्मी बुत उत्ते ही हाँ साडे अम्मी अबू दोवां ते वैसे बहुता ही उत्ते ने ये हमारी पारी स्टार्ट हो गई हाय अल्लाह चलो जी ये देखिए अभी ये नीचे हमारे खड़े थे वो ओल्ड वो अपनी आई थी ट्रॉली पे ना क्या से कहते हैं वो भी मैं यहीं से मिलती है ना अगर जो लोग नहीं चल सकते उनके लिए इलेक्ट्रिक प्रॉम थी ये देखिए इसका मेरा स्कूटर स्टार्ट नहीं हो रहा था ये बैटरियाँ रह गई जी ये देखिए
Also, for your own safety, please keep your hands and feet inside the boat at all times. Please refrain from standing on the seats or the metal boxes on the deck of the boat. Please keep your shoes off all railings. If you have any questions or concerns, please feel free to speak to one of our crew members. Are we even moving? Yeah, move kar chuka hai. The Indigenous boats have been sailing the border between the two friendly nations of the United States and Canada since 1846. The first mate of the mixed vessel was a twin-stack coal-fired steamboat. In 1885, our boats evolved to single-stack steamboats that ventured closer to the Horseshoe Falls than any boat ever had before. In 1955, the first modern mate of the mixed boat entered the river, made of steel and powered by twin diesel engines. We appreciate and enjoy the beauty of this natural wonder just as much as our thousands of people. That's why we created two of North America's first newly built all-electric vessels. Oh my God! Oh my God! Vibration or exhaust fumes, and are unlike any others that journey to the heart of Niagara Falls. If you look to your left, you'll see the American Falls. It is 180 feet high, or about 55 meters. 12,000 years ago, the falls were 2 miles, or about 11 kilometers downriver at Lewisburg. The small falls to the right of the Americans is called the Bible. The walkway at its foot leads to the King of the Winds. आप कैमरे में पता देख सक रहे हैं कि नहीं देख पा रहे वाह नहीं नजर आ रहा।
ਲਿਟਰਲੀ ਪਾਣੀ ਇੰਝ ਜਿਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਫੁੱਲ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਭਿੱਗ ਗਏ ਸਾਂ ਭੀਗ ਗਏ ਸੀ ਸੋਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਮੈਂ ਤੋ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਵੈਸੇ ਫੁੱਲ ਇਹ ਦੇਖੇ ਅਭੀ ਉਹ ਹਮੇ ਵਾਪਸ ਚੱਕਰ ਲਗਵਾਏਗਾ ਇੱਕ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਖਾਂਗਾ ਆਉਣਾ ਜੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣਾ ਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ बिल्कुल आपको आप शहर के नीचे ले जाता है जिसकी वजह से देखा मेरे कैमरे में पानी गिरा था और जिसकी वजह वीडियो नहीं बना सका बिल्कुल तेज़ बारिश हो गई थी मैं थक गया तो मैं कहा मैं थोड़ा बहल रेस्ट कर लूँ तो चलो आप करेंगे पेट पूजा नीचे उतरते हैं दिन के 2 बज गए हाँ तकरीबन हमें लगा है 1 घंटा 20 लगे हाय फिर हमारी लाइन फिर ऊपर जाएंगे यार मशा दे आसी ਨਾਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਨੂੰ ਅਜੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਟੇਅਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਸੁਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢੇ ਆ ਸਿੱਖਰੇ ਅਸੇ ਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ